नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ बोल्ड स्काई किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी भी त्योहार, विशेष अवसर या अक्सर मेहमानों के आने पर पूरियां बनाई जाती हैं। आज हम आपको बोल्ड स्काई किचन में बताने जा रहे हैं कि कैसे आप एकदम फूली फूली नर्म मुलायम पूरी बना सकते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी पूरियां बनाते वक्त फूलती नहीं है, तो आज जो रेसिपी हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर उसके अनुसार आप पूरियां बनाएंगे तो आपकी पूरियां ज़रूर फूलेंगी। सबसे पहले हम पूरी का आटा लगाएंगे। इसके लिए आप एक बाउल में 2 कप आटा डालिए। इस आटे में आप 1/2 कप सूजी मिला लें। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन डालें और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब इस पूरी को खस्ता बनाने के लिए हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरीके से मिला लें। इस मिश्रण को मिलाने के बाद गुनगुने पानी की सहायता से इस आटे को गूंथ लें। याद रखिए, पूरी का आटा ना तो बहुत ही सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत नरम, ताकि हमें पूरियां बेलते वक्त परोथन लगाने का इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम परोथन लगा के पूरियां बनाएंगे तो पूरियां सिकने के बाद काली हो जाती हैं। इसीलिए हम आटे को ना तो बहुत ज़्यादा सख्त गूंथेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। अब इस आटे को अच्छी तरीके से लोच लगा कर गूंथ लें। आटा गूंथने के बाद इसे 1/2 घंटे के लिए ढक कर रख दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इस आटे को ढककर रखे हुए 1/2 घंटा हो चुका है। अब इस आटे में एक बार फिर से आप लोच लगाएं, तो आप देख सकते हैं अब ये आटा पूरी बनाने के लिए तैयार है। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पूरी को रिफाइंड में बनाना चाहते हैं या फिर देसी घी में। तो कढ़ाई में अब घी डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दें। जब तक घी गर्म हो रहा है, तब तक हम पूरियां बनाने के लिए लोई बना लेते हैं। पूरी बनाने के लिए आटे की लोई बनाएं। अब पूरी बेलना शुरू करें। पूरी को किनारे से बेलेंगे तो अच्छी बेली जाएगी। एक जैसी पूरी बेलें। पूरी कहीं से मोटी या कहीं से पतली बेली जाएगी तो अच्छे से फूलती नहीं है। आटा चकले से चिपके नहीं, इसके लिए आप चकले और बेलन पर घी लगाएं। घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरी बेलने में आसानी होगी और आपको परोथन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब जब तक हमने पूरी बेली, लगभग रिफाइंड ऑयल भी गर्म हो चुका है। आप अपने रिफाइंड या घी को एकदम तेज़ आंच पर गर्म करें, और जैसे ही ये तेज़ गर्म हो जाए, इसमें से भाप निकलने लगे, तो गैस को एकदम स्लो कर दें। लगभग 1 मिनट के लिए गैस को स्लो रखें। गैस स्लो करने के बाद हम पूरी को कढ़ाई में छोड़ेंगे। तो इस पूरी को आहिस्ते से उठाइए और कढ़ाई में छोड़ दीजिए। बीच में दबाव देते हुए इसे आहिस्ते आहिस्ते घुमाते हुए सेकिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी फूल चुकी है। अब इसके बाद इसे पलट लीजिए और इसे दूसरी तरफ से भी सेक लीजिए। आप इसे तब तक सेकिए तब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। पूरी को तब तक सेकना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये पूरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे कढ़ाई में से निकाल लीजिए। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपकी पूरी फूलती नहीं है, तो आप जब इसे कढ़ाई में डालेंगे तो इसे बीच में दबाव देकर घुमाते हुए सेकें। आपकी पूरी ज़रूर फूल जाएगी। आप बाकी की पूरियां बनाने के लिए गैस को तेज़ कर लें, क्योंकि पूरी तभी फूलती है जब तेल ज़्यादा गर्म होता है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार गैस का तापमान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप सारी पूरियां इसी तरीके से सेक लीजिए। तो लीजिए, गर्मा गर्म पूरियाँ तैयार हैं। गर्म गर्म पूरी को मटर पनीर, मटर आलू या अपनी मनपसंद सब्जी के साथ परोसिए। फिलहाल बोल्ड स्काई किचन में इतना ही, और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बोल्ड स्काई।